इसका रूम गली गली में घुसती इतना सा, ये ही 10 रुपया का, तो मैंने इसे कट के डाल दिया। सूप ले लिया, आज का ब्रेकफास्ट है ये है मैगी और नकु या रेमन बना रहा है। ऑलमोस्ट हो गया है तो हम इसको खाना को भी बिता दिया है। तो गाइस आज है डे 3 एट गुवाहाटी, तो मेरा फ्रेंड का रूम से अभी हम निकल रहे हैं, भैया का फ्लैट जाएगा तो ये हमको अभी शो ऑफ करने जाएगा। कल छाटा पकड़ तो इसका रूम गली गली में घुसती वीडियो ऑफ हो गया। हम अभी बहुत भयंकर से गिरा था, सुबह सुबह पैक मिला है हमको, हमको शो करने आया है तो इतना सफेद क्यों है देखो, हम इतना बाहर कल वो कल मुझे कॉलर लगाया, किसी का होता है किसी का ये, लेकिन पता नहीं किसका है। यहाँ से व्यू ऐसे दिखता है, तो यहाँ हम लोग केव का इंतजार कर रहे हैं। बाय बाय बाय। मैंने मैगी ले लिया है, घर जाके मैं भाई लोग के लिए बनाऊंगी अभी। तो अभी मैं रूम पहुंच चुकी हूँ, मैं सबके लिए अभी मैगी बनाऊंगी, लेकिन करने से पहले ये सब पूरा साफ कर देती हूँ। ये लोग कल खाने के बाद पूरा गंदा पंदा करके रखा है, तो मैं इसे साफ कर लेती हूँ। ये है मैगी बनाने का इंग्रेडिएंट्स, ये प्याज, टोमेटो, मैगी मसाला, कैप्सिकम, नमक, ग्रीन चिल्ली और ये यूप, थोड़ा सा पानी उबल रहा, पानी उबलने के बाद ही डालेंगे। यहाँ बस 3 अंडा बचे हैं, हम कल खाया था ना उसका आधा बचे, तो हम लोग आदमी हैं 7 जन, तो हम इसको मैगी में डायरेक्ट डाल देंगे। तो यहाँ पानी उबल चुका है तो मैं पूरा इंग्रेडिएंट्स डाल देती हूँ, और साइड में हम लोग अंडा का स्टीर फ्राई कर देते हैं। तो इसे अच्छे से उबालने देंगे, हम अंडा को डाल देंगे, अच्छे से उबालने देंगे। बहुत अच्छे से उबाल गया है तो मैगी डाल देते हैं। तो मैगी हो चुका है, मैं इसे सर्व कर देती हूँ, सर्व करते करते और ज़्यादा पक जाएगा। कैसे मैगी अभी देखो, इधर को मैं से भाई लोग को मारते रहते हैं, ऐसे मारते हैं मालूम, भाभी फिर मारते हैं। देखो भाभी ऐसे मारते हैं, काला काले तेज से मारते सब कोई कोई। तो अभी बनेगा मिक्स वेज करी, इसे मैंने खा दिया है, तो सब्जी को आगे बना लेती हूँ मैं। ऑलमोस्ट हो गया है तो हम इसको खाना को भी बिता दिया है, ये ऑलमोस्ट हो गया और नकु यहाँ रेमन बना रहा है हम सब के लिए। जल्दी लग गया है, मुँह से पूरा धूप निकल रहा है आपका। हेलो क्या आ गया ना आए, क्या बात है गाइस, ये अभी इंटरव्यू देख के आए, क्या बोला है आपका ऑपोजिट में क्वेश्चन आया, बोले ना जरकुम हमेशा मेरा अगेंस्ट में होते, बोला जरकुम जरकुम तो अगेंस्ट होते ही, आप कैसे करके आए? तो इसे मैं अभी खाना दे देती हूँ। शाम हो गया तो हम लोग बालकनी कैफे में दीदी का 100K सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। 100K फेसबुक में तो पहले से हो गया, लेकिन इंस्टाग्राम में कुछ दिन पहले हुआ है, अभी हम लोग करने जाएगा सेलिब्रेट। तो उधर में मेरा एक फ्रेंड भी आ रहा है। फिर हमने आगे विजिट किया सिटी सेंटर मॉल, क्योंकि श्राइंडी को उधर से कुछ लेना था। उसके बाद लेने के बाद उधर श्राइंडी का फॉलोअर्स भी दिख गया। फिर सिटी सेंटर मॉल से निकल के हम गई सेलिब्रेट करने श्राइंडी का 100K सेलिब्रेशन के लिए।
जब तक चिकन पकता है, मैंने खाना भी बता दिया, जब तक चिकन और खाना पकता है मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। सब्जी दाम बहुत ही ज़्यादा है गाइस, इतना सा ये ही 10 रुपया का था ये, बस सच में आप लोग जो जो गुवाहाटी में बेचता है आप लोग बताना, सच में ये गुवाहाटी में बस मुझे 10 रुपया में इतना ही मिला। हम लोग उधर बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होता है और यहाँ में 10 रुपया का इतना में व्यापारी करने से डायरेक्ट करोड़पति बन जाएगा हमको ऐसा लगता है। तो मैंने इसे कट के डाल दिया है, इसे उबालने देते हैं फिर बंद कर देते हैं। ग्रेवी थोड़ा बनाएगा इसलिए थोड़ा उबालने देगा फिर बंद करेगा। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, आज है लास्ट डे एट गुवाहाटी। तो मैंने अभी फेस धो लिया है, तो आज का दिन कैसे जाएगा आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। ये है मैगी और अंडा, इसको बनाएगा हम अभी। डालने के लिए कुछ नहीं है इसलिए मैंने टोमेटो काटा और अनियन और ये कल का जो मसाला पत्ता है और ये चिल्ली। यहाँ मैंने अंडा बॉईल डाल दिया है, इसे मैगी के अंदर डाल देती हूँ साथ साथ में उबलेगा। तो मेरा प्यारा भाई मुझे मदद कर रहा है, अंडा छिल रहा है, हमेशा हमको मदद करता है, बहुत अच्छा भाई है मेरा। पानी उबल चुका है, मैं मसाला को डाल देती हूँ, मैगी मसाला, पिंच ऑफ सॉल्ट, क्योंकि मैगी में ऑलरेडी नमक होता है ना मसाला मैगी में, इसलिए थोड़ा सा नमक डाल। को यहाँ नाखू भी आ गया है, हाथ बताने नाखू तो बहुत अच्छा है, देख इतना छोटा होकर इतना काम करते हैं। हाँ हम मैगी को डाल देते हैं, यहाँ मैगी हो गया है और ये कल रात का सब्जी मैंने गर्म कर दिया है। फ्राइड डी जो खाना का सब खाएगा भी डायरेक्ट, उसको मैगी इतना पसंद है। सूप ले लिया, आज का ब्रेकफास्ट है ये अंडा चिकन राइस साथ में खाएगा। हम लोग मालूम का एडमिशन करने चला गया था, नाकू हम दोनों रूम पे था, तो नाकू हम दोनों वो लोग उधर से डायरेक्ट फैंसी गया है, तो नाकू हम दोनों भी अभी यहाँ से निकलेगा, वो लोग को फैंसी में ही मिलेगा ना नाकू। हाँ। तो कैब बुला लिया है, कैब का इंतज़ार कर रहा है। फैंसी मार्केट विजिट करने के बाद मैंने सबको टाटा बाय बाय किया, उसके बाद मेरा ट्रेन था आज रात का, फिर मैं ट्रेन से निकल गई अकेले। फिर मैं नेक्स्ट दिन पहुंच गई ईटानगर, यहाँ मैं वेट कर रही हूँ नगा का। घर पहुंच के मैंने क्या किया वो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस, थैंक यू।